हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में, नए नाटक में। इस बार का नाटक बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इस नाटक का नाम है रश्मि रथी। यह नाटक अर्जुन, कर्ण, कुंती से रिलेटेड है। सो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है आज का नाटक। सफर आज भी जारी है, माना कि कुछ उम्मीदें कम निकली लेकिन ख्वाहिशें तो अपनी ताउम्र बाकी हैं। अब मैं आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मैं हमारे राष्ट्रीय संस्कृति की परंपरा है कि किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण द्वारा करते हैं। मैं आदरणीय महाप्रबंधक महोदया, मुख्य राजभाषा अधिकारी महोदय और वरिष्ठ अधिकारीगण से आग्रह करती हूँ कि कृपया वो आगे मंच पर पधार कर दीप प्रज्वलन और सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करें। आदरणीय महाप्रबंधक महोदया। संवेद स्वर में एक करतल ध्वनि हो जाए इस पवित्र कार्य के लिए। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, इस प्रेक्षागृह को यूं ही जगमगाए रखना। खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। आइए बढ़ते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। डॉक्टर मुमताज खान हैं, पिछले 4 दशकों से रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय हैं। शिमला, पटना, रामनगर में आयोजित कई राष्ट्रीय नाट्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया और बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर जैसे पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। इनकी आकाशवाणी और दूरदर्शन के नाटकों में सहभागिता रही है। इन्होंने आकाशवाणी प्रादेशिक समाचार एकांश गोरखपुर में लगभग 28 वर्षों तक बतौर समाचार वाचक का कार्य किया है। 16 वर्ष तक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भाषा में संवाददाता के दायित्व का निर्वहन किया है। आप द्वारा 1996 में आयोजित प्रथम गोरखपुर महोत्सव में ऐतिहासिक सर रामदर्श राय एवं डॉक्टर मुमताज खान, अन्य उपस्थित अधिकारी, रंगकर्मी, सज्जनों एवं देवियों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राजभाषा विभाग ने एक ओर रेल कलाकारों को उत्कृष्ट प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया है, वहीं दूसरी ओर नाटक के माध्यम से जीवन से जुड़े विविध पहलुओं सूर्य का आह्वान करके कौमारी में ही कर्ण को जन्म दिया। लोक लाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधीरथ को कर्ण मिला और वह उस बालक को अपने घर ले गए। कर्ण को अधीरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधे भी कहते हैं। कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। कर्ण का जीवन अंततः विचारजनक है। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा, जिसका वह वास्तविक अधिकारी था। तर्क संगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात रही। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर और अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। पत्थर के समान वचन का पक्का कर्ण, दुर्योधन से प्राप्त सम्मान और दूसरी ओर कुंती को दिए वचन कि 5 के 5 ही पांडव रहेंगे, अपनी जान देकर पालन करते हैं। आज के व्यवसायिक जीवन में कर्ण जैसा चरित्र क्या कहीं देखने को मिलता है।
जरूर देखा होगा, इसलिए मंच पर इसकी प्रस्तुति एक चुनौती होती है। उपलब्ध संसाधनों से उसे कैसे दृश्य किया जाए ये देखना लाजमी है। आज हम ये प्रयास करने जा रहे हैं, आशा है आप इसे पसंद करेंगे और आशीर्वाद देंगे। हमारे लखनऊ मंडल की उद्धार के लिए रामधारी सिंह धिनकर द्वारा किया गया एक ऐसा महान प्रयास है जहां सामाजिक विसंगतियों भली भांति रेखांकित कर ली है। दानवीर कर्ण का चरित्र निखर कर सुख में करते हो। पूछो मेरी जाति, सत्य हो तो मेरे
मेरी कुछ फर्ज थी। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से देखा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो गैर काज, अजित करना तुम्हें चाहिए अगले कोई राज। अंग राजकांड की जय। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे, हरी सभा के बीच तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में ये उद्धार दिया है। पुण्य भला होऊंगा कैसे, चुका कौन सा दान, कृपा करे निर्माण आऊं तेरे कोई काम। बड़े वंश से क्या होता है, छोटे हो अधिकार, नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन का। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हार, निज हाथों से नहीं सोचता, सच है अपना पार। अभी नहीं जैसा
चाहिए। एक दिवस
जब छोड़ रहे थे तीन मणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी भी खड़ा था मुद्रित किए नयन को। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर हर पाप कभी कुछ बोला। मैं
लेकर भी सुखी और मैं लेकर भी परिता तू पहुंचा है जहां तक देवत्व न जा सकता है इस महान पद को केवल माना भी पा सकता है अन्ना कृपा तुझे तुरंत यहां से जाने दो अपने दुर्दश तेज से त्राण मुझे पाने दो मगर विदा देने से हंगे हुआ मैं सब कुछ अपना आप को लेकर अब क्या होगा देव राजेंद्र आपसे वरदान कुछ नया लेकर मांगे कुछ नहीं किंतु मुझे अवश्य देना है मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है ले। देव नमन करता हूँ
ही अंश ही है। मैं कुमारी का थी जब तू आया था, अनमोल साल पहले और समय ही पाया था। तुमको चार कण देता हूं, छोड़ूंगा मैं तो नहीं अर्जुन को,
पर तोड़ूंगा कैसे पुरातन कण को, जीते जी या समर झेल तो भारी, लेकिन लेकिन होगी मां अंतिम विजय भी भारी। न में कट मर कर जो भी हानि सहेंगे, पांच के पांच पांडव तीर्थ लिप्त रहेंगे। हृदय का लग दृश्य बड़ा सुंदर है, चारों ओर पांडव पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल खड़ी की ज्योति न मेरी होगी, मैं आऊंगा मां, मैं आऊंगा मां जब रात अंधेरी होगी, जब रात अंधेरी होगी। Yeah.